कुछ दिनों में ही मेरी एक कजिन की एंगेजमेंट है और मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक साड़ी ली जाए और साड़ी ही पहनी जाए एंगेजमेंट के टाइम में, परफेक्ट सी लगेगी, अच्छी लगेगी। बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे कोई ओकेजन में मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, तो मैंने मीशो पे देखा एक प्यारी सी साड़ी, और ये है साड़ी पैठनी कॉटन सिल्क साड़ी विथ जरी बॉर्डर। साड़ी का रेंज आप सुनेंगे और उस हिसाब से आप देखेंगे कि कैसे वो गेटअप आ जाता है ना, बहुत ही प्यारा सा लुक आने वाला है। क्योंकि सिर्फ साड़ी नहीं ली है मैंने मीशो से, उसके हिसाब से मैंने उसके ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स जो पेयर हो सकेंगे उस साड़ी पे, वो भी मैं आज आप लोगों के सामने लेके आऊँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें पहनने वाली हूँ मैं इंगेजमेंट में मेरी कज़िन के। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस एंगेजमेंट और लुक के लिए भी, क्योंकि मैंने जब साड़ी अनरैप करी, बता रही हूँ मैं बहुत ही परफेक्ट साड़ी है, और जो भी ऑर्नामेंट्स मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती जाऊँगी सबके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेंगे, वहाँ से आप परचेजेस कर सकते हैं। पसंद आएगा ये वाला वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। जिस पैकेजिंग में साड़ी आई है एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक के अंदर जो साड़ी रैप हुई है वो भी बहुत ही नीटली प्रेस्ड है, और जब इसको छुआ तो बहुत अच्छी फील आई, कंफर्टेबल वेयर होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, ये तो ड्रेपिंग के बाद में पता चलेगा। साड़ी की लेंथ भी देख लेते हैं, इसके साथ में जो ब्लाउज पीस आया है उसमें आप देख सकते हैं साइड में ऐसा बॉर्डर दिया हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है, कलर कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है काफ़ी अच्छा है, बाकी पूरा प्लेन आता है जो आप देख रहे हैं, कलर में क्रीमिश कलर है इस ब्लाउज का, अच्छा खासा लंबा ब्लाउज होने वाला है, तो अगर आप हेफ्टी भी हैं टुवर्ड्स द हेल्दियर साइड है उसमें भी आप ये पहन सकते हैं। बाद में अगर हम देखते हैं तो पूरी पूरी साड़ी में जाल बिखरा हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, कलर कॉम्बिनेशन जो फ्लावर्स के हैं बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत ही परफेक्ट है। मैं तो मतलब ऐसा सोच रही थी कि ये साड़ी अगर खराब भी हो जाए ना तो भी इसका कुछ बहुत सारी चीजें बना लेती हूँ मैं, जैसे आप लोग इस चैनल को अगर फॉलो करते तो आपको समझ में आ जाए साड़ी से बहुत सारी चीजें और भी बन सकती हैं, नहीं सिर्फ आउटफिट्स ही नहीं लेकिन बाकी और चीजें जो घर में यूज हो सकती हैं वो भी बनती हैं, उसका भी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, तो वो जरूर आप देख लीजिएगा। इसका पल्ला आते तक आप देखेंगे कितना खूबसूरत ये पल्ला भी दिख रहा है, पल्ले में भी बहुत ही एकदम परफेक्ट काम किया हुआ है। मुझे याद आ रही है कि इस टाइप की जो साड़ी है, हालांकि वो बनारसी सिल्क साड़ी थी, मैंने अपनी शादी के टाइम पहनी थी, लेकिन हल्का फुल्का मुझे वैसा ही फील आ रहा है, तो मुझे तो लगता है ये एंगेजमेंट में मैं छाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि इसके साथ में हम अब ऑर्नामेंट्स भी देखेंगे। इस साड़ी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ये प्यारे से कड़े मंगाए हैं, और ये इसकी कॉस्ट मैं बताऊँ आपको, पहले आप क्वालिटी देख लो उसके बाद में। इस टाइप के पैकेजिंग में ये ब्यूटीफुल सा कड़ा आ जाता है, और मैं आपको बता दूं इसकी डिटेल, तो दो कड़े आते हैं इसमें, यहाँ पे पर्ल लगे हुए हैं पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस में, आप देख सकते हैं ये पर्ल एरिया है, और करीबन 6 लाइंस आ जाती हैं ये पर्ल की, और साइड में से गोल्डन फिनिश में ऐसे ये थोड़ा सा बीडेड टाइप का दिया हुआ है, और फिर उसके बाद में ये सेंटर पोर्शन है जहाँ पे पीकॉक एरिया बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुंदन लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक छोटू सा ऐसा पीकॉक की बॉडी शेप दी हुई है, ऐसे ही दोनों ही इसमें हैं और बहुत ही प्यारे दिखते हैं, क्वालिटी में बोलूँगी परफेक्ट है, और इसका प्राइस मैं बताऊँगी अभी आप लोगों को। अंदर की तरफ से ऐसे गोल्डन लाइनिंग दी हुई है और काफ़ी अच्छा दिखता है, इसको ऐसे पहनो ताकि ये जो बॉडी है वो सीधी आ सके, हाँ ऐसे। तो ये रहा हमारा प्यारे से कड़े, इसकी कॉस्ट तो मैंने बताई नहीं, ये है जस्ट 199 रुपीज़ में, 200 रुपये में ये इतने प्यारे से आपको कड़े मिल रहे हैं और अच्छी क्वालिटी में है। अब आती है बारी नेकलेस की, तो ऐसे एक बॉक्स में आया हुआ है ये नेकलेस, तो बबल रैप में है, ऑब्वियसली बबल रैप होना ज़रूरी है, और इसको खोलूँ कहाँ से, एंडिंग कहाँ से, हाँ सो लुकिंग एट द डिज़ाइनिंग इट इज़ जस्ट द सेम जो वेबसाइट पे दिखा था वैसा ही ये मिला हुआ है इस तरीके की पैकेजिंग में। इसको हम अब खोलेंगे और देखेंगे कि ये कैसा है क्वालिटी वाइज, रेट में आपको ऑब्वियसली बाद में बताऊंगी। हाँ इट्स इज ब्यूटिफुल। अच्छा इसके साथ में आपको इयर रिंग्स भी आते हैं, ऑब्वियसली मैंने सेट ही मंगाया है तो सेट में तो सब चीज़ें आएंगी ही। ये रही ओके, चांद के शेप में, जैसे चांद का एक बिंदी लगाते हैं ना वैसे ही ये शेप के इयररिंग्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि हर एक साड़ी के ऊपर चला जाएगा, और स्पेशली जो मैंने अभी साड़ी ली है ना उसके लिए तो एकदम ही परफेक्ट है, और ये तो मैं मतलब
इतना डियर लगा मुझे, और जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट। ये रहा वो सेट, वैसे इसकी कॉस्ट नहीं पूछोगे, ये है जस्ट 280 रुपीज में। जस्ट इमेजिन, यू गेट इट फॉर योर सेल्फ फॉर श्योर। अब बचा क्या, एंकलेट। जी हाँ, मैंने एंकलेट भी लिया है, हालांकि वो साड़ी के नीचे दिखता नहीं है, लेकिन क्या पता मैं मेहंदी वगैरह कुछ लगाऊं और उसके ऊपर एंकलेट कितना खूबसूरत दिखेगा, है ना। फिर मैंने सोचा कि एंकलेट को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़ा है हम साड़ी या बाद में भी यूज़ कर ही सकते हैं, इतने नॉमिनल कॉस्ट है तो क्यों नहीं। ऐसे बॉक्स में आया है और इस तरीके से पैकेजिंग में आया है। वाओ, जस्ट लुक एट दिस सिल्वर कलर, मतलब सिल्वर जो है ना अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया तरीके से है ये। मुझे एकदम ही ना नॉर्मल सा कुछ अलग सा डिज़ाइनिंग में नहीं चाहिए था, प्यारा सा चाहिए था, तो ये एंकलेट मुझे वैसा ही लग रहा है। पहनने के बाद में कैसा लगता है ये बता देती हूँ, मतलब देख ही लेना इस वीडियो में। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो रह गई, इसकी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट है, मैं खुद बोल रही हूँ, आ रही हूँ, जस्ट 159 रुपीस। नाउ लेट्स ड्रेप दिस ब्यूटिफुल साड़ी और उसके साथ में हम लोग इसको स्टाइल करते हैं विद ऑल ऑफ दीज ऑर्नमेंट्स। सुपर एक्साइटेड। सो कॉटन पैथनी साड़ी के बाद में ये लुक आ जाता है, ज्वेलरी के साथ में इस लुक को और एम्प अप करते हैं। वैसे पैथनी में जो क्वीरीज देख रहे हैं ना, बहुत ही डिसेंटली मेड है, बड़े प्यारे दिख रहे हैं। अच्छा, इस क्रीम ब्लाउज तो मेरा स्टिच नहीं था जो साड़ी के साथ आया है, इसलिए मैंने ये रेड ब्लाउज पहन लिया है। मैंने यहाँ पे दो कड़े इसलिए भी चूज करे हैं, अच्छे भी दिख रहे हैं और थोड़े मोटे भी हैं, तो बैंगल्स पहनने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ में जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको सूट कर रहा है साड़ी के अराउंड, वो आप इसके साथ पेयर कर सकते हैं कड़ों के साथ, तो इस तरीके के बैंगल्स यूज कर सकते हैं। तो नेकलेस भी बहुत ही ईजी क्वालिटी, तो मैं बोलूंगी बहुत ही बढ़िया है नेकलेस की। ऐसे अगर पहनू तो अच्छा दिखेगा ना, कोई लुक जरूर क्रिएट करूंगी इसके साथ में। जो नेकलेस और इयररिंग के ये चांद वाला डिजाइन है ना, बड़ा ही वाओ दिख रहा है, मैं तो यही बोलूंगी बहुत ही क्यूट और सुंदर भी है। और यहाँ रहे मेरे क्यूट से यहाँ पे एंकलेट, बहुत ही प्यारे सुंदर छुम छुम करते हुए पायल है, ये अच्छे लग रहे हैं दोनों ही पैरों में, और भी ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। और आज मैंने स्पेशली नेल पेंट भी लगा लिया है, तो नेचुरली और भी इसकी सुंदरता उठ गई है ना। तो चलिए टोटल लुक अब देख लेते हैं। तो साड़ी और ऑर्नामेंट्स के बारे में एक फाइनल वर्डिक्ट दे दूं कि साड़ी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ऑर्नामेंट्स की भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बिना कोई झिझक के आप इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन है, वहां से आप ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। मैं अगर आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियोज़ लेके आती हूँ रिगार्डिंग हॉल एंड स्टाइलिंग, तो थोड़ा बेनिफिट मुझे आप लोगों से भी चाहिए। सो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेंगे लिंक्स, वहां से आप परचेज करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत करो, सब्सक्राइब कर लो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। और ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये तो पहले ही बोल दिया है। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, बाय बाय, टेक केयर।